ये ना ये टेंडर होना चाहिए, और जो कि बहुत जबरदस्त किस्म का टेंडर हुआ भाई। ये देखें, मंडी के लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत मजेदार मंडी है। मुझे इतना मतलब श्योर नहीं था कि मंडी यहाँ की अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने कहा बहुत चलती है, तो मैंने कहा चलिए ला दें आप। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आपके गाँव से हम भी अलग शुक्र ठीक ठाक हैं, और लौट आए हैं अनदर रिव्यू वीडियो के साथ। अभी मजा आएगा ना वीडियो से। बर्गर 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 ये खा खा के जो है ना, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है, और आप लोग हो चुके हैं बोर। तो मैंने कहा कुछ जो है ना एंटरटेन किया जाए, और कुछ चेंजिंग लाई जाए। तो पूरा का पूरा जो है ना माहौल ही चेंज कर दिया बॉस, क्योंकि आज हम लोग मौजूद हैं सुपर हाईवे पे, जियो शनवारी पे। जी हाँ, ये जो है ना डाइवो स्टॉप से थोड़ा पहले है जियो शनवारी, और PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बिल्कुल लाइन में। अच्छा, मुझे नहीं पता कि यहाँ का खाना कैसा है, क्या कुछ कुछ भी नहीं पता बॉस। बस ये है कि यार बोर हो गई थी, और आप लोग भी मुझे लगता है कि बोर हो गए, वीडियो से मुझे अंदाजा हो जाता है। मैंने कहा भाई कुछ जो है ना बहुत बड़ा तो धमाकेदार करना चाहिए, तो हम जो है ना एक्सपीरियंस करेंगे जियो शनवारी को। अंदर चलते हैं, ठीक है, इनके मजेदार खाने मंगाते हैं, खाएंगे, और ऑनेस्टली भी आप लोग तक पहुंचाएंगे। तो आ जाओ दोस्तों, चलो भाई देखो अपने क्या कर। आज क्या किया दोस्तों, आज जो है ना हमने टाइम को बिल्कुल भी जाया ना करते हुए फटाफट से इनके खासम खास खाने मंगा लिए हैं, जो कि आ चुके हैं, और खुशबुओं से ना हाय हाय कहाँ कहाँ, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा मैं आपको बता नहीं सकती। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। तो टाइम इसके बगैर फटाफट से दिखाते हैं आपको। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये है इनकी मटन मंडी। ओके, और कोई देसी स्टाइल में जो है ना उन्होंने इसको रेडी किया हुआ है। अबे साले, ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं। इसके बाद आ गई इनकी चिकन कढ़ाई, ठीक है समरिया। इसके बाद आ गए इनका ब्रिन मसाला, ठीक है। ओ भाई साहब, क्या करी आई हुई इसके अंदर, ओहो बहुत अच्छी क्वांटिटी लगी भाई। इसके बाद जो है ना एक जो है ना उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि मोस्ट रनिंग में क्या चिकन चिली विद राइस, तो हमने कहा चलो एक मंगाई लेते हैं। और ये है गर्मा गर्म जी स्पेशल किस्म की मलाई बूटी और चपली कबाब। देसी रेस्टोरेंट आए और चपली कबाब तो भाई बनता है, तो ये इनका कोई जबरदस्त किस्म का चपली कबाब है। ये छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से कुलचे, ठीक है, और कुछ चपातियाँ, ठीक है, और सलाद रायता। मुझे तो लगी बहुत जोरों की भूख, ठीक है, और मुझसे हो नहीं रहा सबर, तो मैं स्टार्ट लेने लगी हूँ। अब कंफ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि स्टार्ट किस से लिया जाए, तो हम करेंगे जो हम करते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ब्रेन मसाला, मेरा गोस्ट टू ब्रेन मसाला। चलो बहुत सही चीज़ आई, क्योंकि ये जो है ना गर्म माँ गर्म ही खाया जाता है, और अगर ये ठंडा हो जाए ना तो भाई वो मज़ा नहीं देगा, ठीक है। और ये कुछ इसकी क्वांटिटी जो आपको नजर आ रही होगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, ये जो ब्रेन मसाला है ना, एक ब्रेन मसाले की प्राइस है 1100 रुपये। थोड़ा सा रायता भी डालेंगे, ओके, ये थोड़ा सा हमने लेमन छिड़काया, थोड़ा सा एक चपाती का बाइट लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखते हैं कि 1100 रुपये के ब्रेन मसाले में ऐसा क्या खास है। ओहो मज़ेदार है, लेकिन अब रायते के बगैर खाया जाएगा, ताकि जेन्युइन जो इसका टेस्ट है ना वो आपको पता लग सके, ठीक है। आ जाए, मज़ा आ गया। अब जब ब्रेन मसाले में हाथ डुबो दिए हैं, तो इसके बाद जो है ना हम आते हैं कढ़ाई की तरफ। ओ भाई साहब, ये जो है ना कढ़ाई, ओहो ठीक है, थोड़ा सा इसका मसाला भी जल लेना चाहिए, ठीक है। कुलचे से ट्राई करते हैं, क्या कहते हैं हम लोग। ओ भाई, तक जो है ना देसी खाने में जब तक हाथ ना चने तो खाने का मज़ा नहीं आता है दोस्तों। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। A1 जबरदस्त लशपश देसी ऑथेंटिक चिकन कढ़ाई। जब मैं पहले बाइट से दूसरे बाइट पे चले जाऊँ ना, तो समझ जाया करो कि चीज में ना कुछ तो खास है। ओ हो भाई साहब, लपेट डालो इसको। ये हाफ केजी कढ़ाई, और इसकी प्राइसिंग 1100 रुपये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चपली कबाब की तरफ। 3 चपली कबाब आपको मिलेंगे 1100 रुपये में, यानी अभी तक जो भी मैं खा रही हूँ वो जो है ना, मतलब लगा बंदा 1100 1100 1100 पे कहानी चल रही है। चपली कबाब में ना थोड़ा सा नींबू जो है ना डालो ना, एक बड़ा ही कोई मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। ओहो भाई साहब,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजा ही आ गया, बहुत ही गजब था आज का सबसे बेस्ट। तो अब हम आते हैं मलाई बोटी पे। अच्छा, ये कुछ मलाई बोटी की क्वांटिटी है, इसके प्राइस हैं 900 रुपीज। चलो अब इसको भी ट्राई कर ही लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से टेंडर हुई पड़ी हुई। ठीक है, बिस्मिल्लाह, जैसी होती वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर। ये मलाई बोटी बहुत कोई स्पाइसी नहीं होती, आपको पता है कि बहुत लाइट से हर यूज हुए होते हैं। मेरे ख्याल में इसको जो है ना, मैं बगैर चपाती के खा के भी दिखाऊँ। तारन तार किया है मैंने इसको रायते में। राइस की टर्न जो है ना वो आ चुकी है। मंडी से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि मंडी के जो है ना बेचारा, मंडी का जो है ना अंडा भी ना आधा हो चुका है, बेचारा सूखता चला जा रहा है इंतजार में। अच्छा, ये इनकी जो है ना क्वान्टिटी है मंडी की, ठीक है, वो जो है ना ये चटनियाँ साथ दे रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर में ना इनका मटन रखा हुआ है। ठीक है, और इसके प्राइस है 2100 रुपये। तो अब हम इसको स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, टमाटर को तो मैं साइड में हटाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ये सब्जियां बिल्कुल नहीं पसंद और अंडा भी नहीं पसंद मुझे मंडी में, मुझे अपनी देसी मंडी पसंद है। आए, हम देते हैं ज़रा ये क्वान्टिटी। असल चीज़ ये है दोस्तों, ये ना ये टेंडर होना चाहिए, और जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेंडर हुआ हुआ, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका मीट है मटन, बहुत अच्छा टेंडर हुआ हुआ है। ठीक है, लाइट सा उसका टेस्ट है। चटनी इनकी ना 10/10 जैसी होती है ना मंडी की चटनी, यार मज़ेदार। राइस बहुत जूसी है, मज़ा आ गया। मंडी के लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत मज़ेदार मंडी है। मुझे इतना मतलब श्योर नहीं था कि मंडी यहाँ की अच्छी होगी, लेकिन उन्होंने कहा बहुत चलती है, तो मैंने कहा चलिए ला दें आप, तो सही कहा था इन्होंने। मंडी 10/10। तो गाइस, आज के जो ना लास्ट फूड की तरफ आते हैं। लेमन नज़र आ रहा है, इसको हम हटाते हैं डेकोरेशन को साइड में। इसमें चिकन है और सारी वेजीज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी टेंडर हुई चिकन, टेस्ट बिल्कुल मुनासिब है। नॉट बैड, ये भी अपनी जगह अच्छा है, लेकिन देसी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सिर्फ पहले अगर आप चाइनीज़ खा लो ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइट फूड है वो बहुत हैवी फूड है, तो टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। इसके भी राइस बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। ठीक है, 2% ईजिली कैन ईट। ठीक है, और ये दोनों चीज़ों की जो प्राइस है ना, ये 1100 रुपये में आपको मिलेंगे। यानी ऑलमोस्ट हमारे मेन्यू के सारे आइटम जो है ना वो 1100 में थे, सिवाय इसके। ये जो ना आज का बड़ा महंगा फूड था। ठीक है, लेकिन अब जो है ना बड़ा ही कोई टफ डिसीजन टाइम आ चुका है कि इन सब में विनर कौन है। बात करें अगर हम चपली की, तो यार चपली भी अपनी जगह बहुत लाजवाब थी। ठीक है, इसकी बात करें तो यार ये भी बड़े मज़े का था, ये भी बड़ा ही खासम खास था। ठीक है, कढ़ाई के तो क्या ही कहना है। ठीक है, मलाई बोटी भी बहुत अच्छी टेंडर हुई भी थी, बहुत सॉफ्ट। ठीक है, इसका मुझे इसका बहुत वो था कि मंडी जो ना हर जगह की अच्छी नहीं मिलती। वो एक मशहूर है ना हमारी, एक टैबू बना हुआ है कि मतलब वो मंडी हाउस जाएंगे वहाँ खाएंगे, तो सेम टेस्ट, मतलब सीरियसली गाइस कोई 19-20 का मुझे फ़र्क नहीं लगा। और इसको जो है ना मैं 10/10 दूंगी। सबसे मतलब आज के विनर गोज़ टू ये मंडी। बस ये जो है ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगा, लेकिन कोई नहीं, डेकोरेशन के लिए क्या था, आपकी मर्ज़ी है, आप खाना चाहे तो खा लें, नहीं खाना चाहता हूँ साइड में हटा लें। और बाकी उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे कढ़ाई है, ब्रेन मसाला है, चपली को आवे, मंडी को मैंने विनर करार दिया, बाकी सब अपनी जगह। ठीक है, सो गाइस रिव्यू मैंने दे दिया। ठीक है, ऑनेस्टी के साथ मैंने रिव्यू दे दिया है आप लोग, लेकिन मुझे जो है ना मेरी ना नीयत भरी अभी, ना मेरा भरा है पेट, और अब मैं जो है ना खाने पर टूटने वाली हूँ। तो इन सब के लिए क्या करना होगा, इन सब के लिए आप लोगों को फिलहाल के लिए मुझसे जो है विदा लेना होगा, और विदा लेने से पहले क्या करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग के साथ, नए रिव्यू के साथ, जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।